हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, मनी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स गेट क्लियर विद द कंसेप्ट व्हाट एग्जैक्टली इज द मनी. सी, सिंस चाइल्डहुड वी आर सीइंग द मनी, वी आर यूजिंग इट. But if someone asks us what exactly is the money, we will not be in a condition to explain it. मतलब इतने सालों से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन गया है. बट अगर कोई पूछता है कि क्या है पैसा, ओके, सो वी विल गेट अ एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ दैट. और एग्जैक्टली डेफिनेशन को फाइंड आउट करना उतना ही क्या है, मुश्किल भी हो जाएगा. अब इकोनॉमिक्स में मनी की स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो वो एक्टिविटीज़ या वो ट्रांजेक्शन्स जिसकी कंसिडरेशंस क्या है, पैसों में मिलते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स. मतलब 11th में आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाएंगे, दोज विल बी द बेस फॉर योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज चैप्टर, दैट इज़ मनी, एंड लुकिंग इन टू द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ मनी. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मैन बोला गया है, बट नॉट मैन बट ह्यूमंस. वट आई थिंक वुड बी द प्रॉपर वर्ड. सो ह्यूमंस और मैन इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनिमल, ऐसा बोला जाता है कि इंसान जो होते हैं ये कैसे है, मतलब इंटेलेक्चुअल, इनके पास अपनी खुद की बुद्धि है कि नहीं. दोज कैन यूज़ इट फॉर देयर डेवलपमेंट as well as the people who are dependent on them. Like we live in a society, that's why we are called as a social animal. The invention of money is one of the important and fundamental invention of our various inventions in the world. देखिए, दुनिया में आज तक जितने भी inventions हुए हैं, जितने भी नए नए शोध लगे हैं, उनमें से सबसे बड़ा invention जो होगा इंसानों ने जो किया है, वो पैसे का है, ऐसा हम बोलेंगे. बिकॉज देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. क्योंकि जब पैसा नहीं था, तब वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था. बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे. एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए नई चीज़ें क्या है, बनाई जाती है. शायद जब आप छोटे थे, आपके घर में वो येलो कलर के बल्ब लगते थे, फिर CFL आए, अभी LED बल्ब्स आए, और फ्यूचर में क्या है, और कुछ अच्छा भी आ सकता है. So why the invention happens, always remember, invention happens because there were some lacuna in the old versions of the goods. तो वैसा ही कुछ problems barter में था, इसलिए क्या है, इंसान को या humans को क्या है, money का invention करना ज़रूरी पड़ गया था. So according to the Crowther एक economist है, okay, there is a basic invention in each branch of knowledge. हर knowledge की जितनी भी branches है, उनमें बेसिक लेवल पे क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन, मतलब शोध क्या है, लगे हैं. लाइक इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस, है कि नहीं. साइंस में अग्नि को उतना ही महत्व है, अग्नि का शोध. ओके, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन द मैकेनिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस में व्हील्स को जो महत्व प्राप्त है. द कंसेप्ट ऑफ मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच हैज़ ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. वैसा ही इंसानों के लाइफ में रिवॉल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी जो बदल है, ये किसने लाया है, पैसे ने लाया है. मतलब जो भी क्रांति, ओके, इंसानों के ह्यूमन लाइफ में हुई है, सो उसका पूरा श्रेय, ओके, ये किसको जाता है, इन्वेंशन ऑफ मनी को जाता है. वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी, एंड दैट फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड. कि हम आज कोई भी चीज़, वो दृश्य स्वरूप में हो या अदृश्य स्वरूप में हो, इसको खरीद सकते हैं पैसों से, या इसको बेच भी सकते हैं पैसों में, है कि नहीं. जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम रेंडरिंग अ सर्विसेज टू यू, एंड फॉर दैट आई एम गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द कॉलेज. ओके, सो व्हाट आई एम गिविंग टू यू, द सर्विसेज. आपने कोई शॉप से बुक परचेज किया, दैट बिकम्स द प्रोडक्ट, एंड टू परचेज दैट बुक यू हैव पेड टू दैट शॉपकीपर. सो मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी. आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, ये क्या है, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में क्या है, निर्भर है. सो
मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब आज जो भी चलन में जो पैसा है, चलन मतलब जो मार्केट में हम देख रहे हैं, वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ प्रॉब्लम पुराने सिस्टम में था, इसलिए नया सिस्टम क्या है लाया गया। ओके, सो मनी इज़ इन द सर्कुलेशन टूडे वॉज क्रिएट टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। आज जो हम पैसा देख रहे हैं, ये पैसा बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय जो पद्धति, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे। ओके, अब ये कौन से प्रॉब्लम्स थे ये हम आगे देखेंगे, और उसी प्रॉब्लम को कोपअप करने के लिए या कवरअप करने के लिए, ओके, या उससे ओवरकम करने के लिए क्या है, मनी का इन्वेंशन किया गया। नाउ व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय मतलब क्या, जहाँ पे चीज़ों के बदले चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। सपोज़ आई एम अ फार्मर एंड आई नीड सपोज द वेसल्स ऑफ क्ले, ओके, मतलब मैं एक फार्मर हूँ, ओके, और मुझे क्या चाहिए, मिट्टी के बर्तन चाहिए। तो मैं क्या करता था, ओके, मेरे पास जो क्रॉप मेरे एग्रीकल्चर से निकला है, ओके, उस क्रॉप को मैं क्या करता था, पॉटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है उसको देता था, और उसके पास से, ठीक है, वो बर्तन लेता था और मेरे पास जो अनाज है उसको देता था। एज यू कैन सी द पिक्चर, ओके, सी द पिक्चर इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी, यू कैन सी देर आर टू पीपल, ओके, सपोज वन इज़ द फार्मर एंड अनदर वन इज़ द फिशरमैन, ओके। अब ये फार्मर या वो पर्सन क्या कर रहा है, अपने पास की कोई चीज़ उसको दे रहा है और उसके पास से क्या है, तो मछलियाँ ले रहा है। ओके, नाउ बार्टर सिस्टम में कुछ डिफ़िकल्टीज थी, इसलिए क्या है, मनी का इन्वेंशन किया गया था। नाउ व्हाट वर दोज डिफ़िकल्टीज, वो कौन सी डिफ़िकल्टीज थी, ओके, जो मनी के इन्वेंशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट दीज आर द फाइव मेन डिफ़िकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम। अब ये पांच ऐसे डिफ़िकल्टीज है जिसके वजह से क्या हुआ है, बार्टर सिस्टम की इजाद हुआ है, मतलब बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थे, ओके, इस वजह से क्या है, तो मनी का इन्वेंशन किया गया। मतलब मनी अपने आप नहीं बनाया गया था, तो देयर वेर मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, एंड टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स द मनी हैव बीन इन्वेंटेड। ओके, सो बार्टर सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, मतलब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, पैसों के इन्वॉल्वमेंट के सिवाय जो ट्रांजेक्शन होता है, आदान प्रदान होता है, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, बार्टर सिस्टम। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम।